व्यक्तिगत आरोपों से परस्पर बचना चाहिए, अपनी नीतियों की, अपनी नियत की, अपने नेतृत्व की और अपने सिद्धांतों के आदर्शों के साथ इस देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और आगे इस देश को प्रगति के पथ पर आगे चलाने के लिए उनके पास क्या योजना है, इनकी बातें करनी चाहिए। ओछी बातें करना अच्छा नहीं है। लव जिहाद को लेकर जिस तरह से निकिता की हत्या हुई है, पूरी इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही है देश में। निकिता बेटी से लेकर के और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर, खुलेआम मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी न कर पाए। तो बहुत ही शर्मनाक है और कलंक है भारत माता के माथे के ऊपर कि ऐसे पब्लिक के बीच में, सड़कों में जहाँ हजारों लोग वहाँ पर हैं और उनके बीच में कोई मार करके किसी बेटी को कि आप यदि मजहब नहीं बदलेंगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तो एकदम दरिंदगी की पराकाष्ठा है। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।